सो हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज है चांद रात का दिन और हम घर को कुछ ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो हम सोचे कि क्यों ना चलते हैं बाहर और कुछ खरीदते हैं। बिकॉज हम सोने पे सुहागा बोलते ना, एक तो घर में नहीं है और ऊपर से खाला भी नहीं आएंगी, और उसके बाद फिर हमें ऐसा होगा कि अब खुद से बना बना के खाना पड़ेगा। तो इसलिए हम गए बाहर और जाकर हमने कुछ टमाटर और कुछ शिमला मिर्च ये सब हम कुछ खरीदे ताकि हम कुछ बना खा सकते हैं। तो और फिर ऐसे घूमते घूमते आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने ख़रीदा, ये मैंने लिया और ये मेरी रूममेट ने लिया है। तो हमें एक्चुअली क्या हुआ कि हम गए लेने के लिए एक दुकान में और हमें सब बोलते हैं ना कि फ्री का वो ऐसे ऑफर चला रहे थे ईद में, तो हम ले रहे थे और वहाँ बहुत भीड़ थी, तो वो दुकान वाले इतने इरीटेट हो गए थे। तो मेरी ना बताएगी कि क्या हुआ, मेरी ना बताओ। फिर वो लोगों ने हमें क्या बोलते हैं तरस आके फिर ऐसे फ्री में दे दिया। और उसके बाद फिर जानते हो फिर वो इतने इरिटेट हो गए कि मतलब कि इतने कस्टमर थे उनके पास कि फिर उनको ऐसा लगा कि इस लड़की को क्यों ना फ्री में दे दिया जाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने हम पे ऐसे करके और फिर इन्होंने इतनी सारी हमें फ्री में दे दी, और ये भी दे दी जिसका एक्सपेरिमेंट ये कर रही है। और इसने देखे, आप इनके चेहरे पे देख सकते हो कि इसने आते के साथ इसे इंतजार नहीं हुआ और इसने लगा लिया वो, मतलब कि वो। तो अब हम कल का हमारा तो ये प्लान है कि हम कल कहाँ जाने वाले हैं मेरी नाला, हम कल बुरी गंगा रिवर रिजॉर्ट। हाँ, कल हमने डिसाइड किया है कि हम कल बुरी गंगा रिवर व्यू रिजॉर्ट नहीं रेस्टोरेंट था ना कि रेस्टोरेंट था यानी हमें जितने ही जाना लायक हम वही जाने वाले हैं। तो लेट्स सी कि कैसा रहेगा कल का ब्लॉग। तो मैं कल ही अपलोड करूँगी, लेकिन आज मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बिकॉज अगर हम अभी घर पर रहते तो बहुत सारी मेहंदी लगाते, बहुत कुछ करते, पर आज ये हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, अब बाहर हैं तो ये भी सही है ना, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि नहीं किया हमें, खुशी की बात ये है कि हम ईदी मिल गई है। दिखाओ, तुम कितना खुश हो ये ईदी पाके। बहुत बहुत ज्यादा। तुमने दिखाया है, जरा लगा के दिखाओ, तो जरा लगा के दिखाओ अभी, थोड़ा सा लगा रहा है ना। तो रुको, मैं बोलती हूँ उसको लगा के दिखाने के लिए। ग्रीन वाला से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो आप हमारा हाथ का हाल, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ वहाँ पे इतना अच्छा मिल रहा था कि हमने इनमें से कौन सा ली कन्फ्यूज हो गए थे। तो हमने पूरा हाथ भर दिया है, एंड अभी वो लगा के मैं उसको बोलती हूँ दिखाने के लिए ग्रीन कलर का जो लाइट। तो ये मेरा पोर्शन आप इग्नोर करें और इसको देखें, ये इतनी खुश है कि ये दूसरी बार लगा रही है और पता नहीं क्या कर रही है। एंजेलिक लुक ट्राई कर रही हो मेरे ना तुम? नहीं, गोथिक। गोथिक गोथिक ट्राई कर रही है। वेर ये गोथिक कहाँ का स्टाइल है मेरे ना, हमारे व्यूअर्स को बताओ। गोथिक मतलब कि ऐसे डार्क चीज। ये कहाँ का स्टाइल है गोथिक कहाँ का स्टाइल है? आई डोंट नो द मतलब। देन हाउ डिड यू लर्न इट फ्रॉम? तो ये कोई गोथिक लुक ट्राई कर रही है और इसका लास्ट लुक थे, मैं अब दिखाऊंगी जल्दी जल्दी बनाओ, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। तो ये शायद कल जाए ये गोथिक लुक ट्राई करे। कल क्या तुम गोथिक लुक ट्राई करने वाली हो कल बकरीद के दिन पे? शुड वी यू ओनली यू ओनली यू नॉट मी कोई लुक ट्राई सिर्फ तुम जाएंगे। तुम क्यूट हो ना, तो क्यूटे लैक्चर्स क्यूटे लैक्चर्स। आप कमेंट में बताओ अगर ये गोथिक लोथिक कोरियन चाइनीज तिब्बतियन कुछ भी ट्राई करे अच्छी लगेगी, बिकॉज इसका फेस कटिंग वैसा है राइट। तुम इधर अंधे पर गोथिक एंजेलिक व्हाट एवर लुक यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई बे। मैं तो परेशान हो गई वेट कर करके इसका गोथिक लुक कब खत्म होगा करके। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं। पिछली बार क्या हुआ था कि हम बहुत फ्री थे, लेकिन इस बार क्या है कि हमारा एग्जाम्स पड़ गया है बीच में, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो अभी हम बाहर गए थे पर मैं वीडियो लेना ही भूल गई और मुझे को तो याद ही नहीं रहता। पता नहीं मैं यूट्यूबर कैसे बनूंगी, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मैं यूट्यूबर कैसे भी बनूँ यार, मुझे वीडियो नहीं कर दिया, मतलब चाय को बैठे वो लगे याद थे नहीं जिसको आप देखे उसने गोथिक लुक ट्राई किया है। शायद कल वो ये ट्राई करे और आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि वो कल ये लुक ट्राई करे या ना करे। अगर आप लोग बताएंगे तो वो ये लुक ट्राई करेगी, और नहीं बताएंगे तो ये शायद सिंपल में जाए, है ना मेरे ना। सो लेट्स सी, ओके let me give you a movie shot. मेरा नंगी वो थोड़ा cute pose दे रहा है यार। हाँ, very good. अब थोड़ा घूम के दिखाओ। क्या इस पीछे का क्या दिखा?
तो आप लोगों को बताएं ये गूथी ग्लू की ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मैं तो देख चुकी हूं कपड़े वपड़े पहनेगी तो शायद और अच्छा लगेगा। एंड कैसा लगा अच्छा है, पर ये ग्रीन के साथ ये दो कलर बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, पर आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगे, कैमरा में पता नहीं है, नेवर नो। गोथिक का मतलब ही होता है डेविल, है ना, गोथिक का मतलब डेविल होता है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर इतना डार्क डार्क नहीं सूट करना करेगा। ये अवश्य शी वांट्स टू डू समटाइम्स, इसलिए ने शेड्स खरीदे हैं। सो आप लोग कमेंट में बताना जरूर। ईद मुबारक। आप ईद हो गया, आप तो हमारा ईद मुबारक कर दो। तुरा कैसे लगा, तुरा बनू कैसे लगा तो एंट्री में बकरीद मना के? यहाँ पे हम लोग सोचे कि क्यों नहीं ईद की शुरुआत थोड़ी सी कुछ खा के की जाए, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं चिकन खाने के लिए। आई होप अच्छा ही होगा, यहाँ पे एक्चुअली अच्छा ही मिलता है, तो हमें नेपाल की भी याद आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों नहीं सॉसेजेस खाए, तो सॉसेज ले जा रहा है, वो देखो बेचारा काम करने वाला लड़का, सुन खा के बात कर। तो हमने थोड़ा चिकन ले लिया है ताकि हम कुछ खा सके और हमें थोड़ा बकरीद लगे। मेरा ईद मुबारक। ईद मुबारक। की बनना चांसेस का मुस्लिम ऑडियंस लाइक चाउमिन है और ऐसे चामराज का दिन क्या कर सकते हैं, जब आप घर से बाहर हो तो आपको ये सब खा के रात बिताना पड़ता है। तो मेरा भी और हम लाया है कैप्सिकम टोमेटो एंड अब हम खाएंगे थोड़ी देर से। हो चुका है इसका खात्मा एंड हियर शी इज डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स विद द फूड। हम लोग सारे फूड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब आप घर से बाहर हो और जब आपके पास कुछ जुगाड़ नहीं हो, खाला भी छुट्टी पे हो, तो आप ये भी सब खा सकते हो और अपना दिल के बाद फिटा सकते हो। पूरा प्रोफेशनल लग रहा है, आज बनाएंगे हम चाउमीन। मेरा इससे चाय रहा था ना, ऐसे बनाएंगे हम, मेरा को पूरा प्रोफेशनल चाउमीन। मुझे तो देखिए किसकी मैं निकालो मिला है सो ये खाने के लिए मरे जा रही है और हम यहाँ पे पागल हो गए, गर्मी में इतनी गर्मी थी और हम बना बना के थक गए थे। सो मेरी रूममेट को आप देख सकते हो, एंड अभी बज रहे वहाँ देखो 1:45 एंड शी सो हंग्री टू ईट द। हम खा लेते हैं और हम बहुत थक भी गए हैं क्योंकि 2 बज रहे और अब सोना है और नेक्स्ट डे उठना भी है। सो हम भी मिलते कल आप लोगों से बकरीद मिले थे, हमारी बकरीद कैसी मिलती है, आप लोग अच्छे से मनाओ। चलो बकरीद मुबारक वंस अगेन टू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।